21st जो है वो सेंसिस है एनिमल हस्बेंड्री की, और ये जो है वो जो हमारे कैटल हैं पशुधन है उसकी सेंसिस जो है वो सारे हिंदुस्तान में चल रही है। और इस संदर्भ में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को देखते हैं और उनके सहयोगी यहाँ आए हैं, जिसका हमने शुभारम्भ जो है वो 1 सितंबर से शुरू करना है। और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बर्मन जी, कमल जी जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, तो आज सारे नोडल ऑफिसर्स हमने यहाँ बुलाए हैं, और जो हम ट्रेनीस और ट्रेनिंग करने वाले उनको जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा कि डिजिटल जो है वो जो उनकी ऐप है उसके ऊपर हर परिवार का जो है वो डिटेल्स जो है वो एनिमल्स जो उन्होंने रखे हैं उसकी सेंसिस होगी। और इस जनगणना से जो है वो हमारा पशुधन कितना है, कितने दूध वाले एनिमल्स हैं, कितने स्क्रैप एनिमल्स हैं, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कितना है, लोगों के रोटी रोजी इससे चलती है, और हमें परफेक्ट डाटा जो है वो अपनी स्टेट का भी मिलेगा और सारे हिंदुस्तान का डाटा हमें इसके ऊपर जो है मिल जाएगा, जिससे आगे की जो प्लानिंग है, जो नीति निर्धारित करनी है और किस प्रकार से हम इस सेक्टर को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, मिल्क यील्ड जो है कैसे बढ़ाई जा सके, मीट जो है वो कितना जो है वो हम पैदा कर सकें, और लोगों की जो हमारी आय है इस से हम कितना इजाफा कर सकते हैं ऐसे दूध बेच करके, और इस तरह से जो हमारे गोट्स हैं, बूल है, तो एक बड़ा इंटेंसिव प्रोग्रामिंग जो है वो आगे के लिए प्लानिंग के लिए ज़रूरी डाटा है। तो ये जो हमने हर घर घर जा कर के हर एक गौशाला में भी जा कर के हम इसको सेंसस को चेक करेंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो वास्तविक है या हवा में है। लोगों की जो निर्भरता कम होती जा रही है धीरे-धीरे, कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी रोटी रोजी चलती थी, अब ये एक नेगलेक्टेड सेक्टर बन गया है। जैसे हमारे इम्प्रूव्ड कैटल होंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें जब हम हमारे पास परफेक्ट डाटा होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मल्च कैटल है, दूध देने वाले पशु बड़े हैं या कम हुए हैं, मिल की जील्ड बड़ी है या कम हुई है। जैसे कहा गया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पशुधन जो है वो तो हिंदुस्तान में ही है, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसका जो हम ये सेंसिस करेंगे ये पूरी डिटेल सेंसिस होगी और 100% परफेक्ट सेंसिस होनी चाहिए, जिससे कि आगे की प्लानिंग एंड प्रोग्राम जो है वो ठीक बन सके। सर 2019 में जो गणना हुई थी उसके मुताबिक कितने जो थे पशु थे और क्या उम्मीद लग रही है कि 1919 की जो जनगणना हुई, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब करेंगे कि 2019 की जो हुई 44 लाख पशुधन था लाइफ, हर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, और इसमें मिल्क की जील बड़ी है या कम हुई है, ये सारा डाटा उसी में। सर सरकारों को थोड़ी सब्सिडी या मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को आप लग रहा है किसानों की सहायता के लिए पशुपालन? देखिए इस सब्सिडी तो एक अलग से विषय है, लेकिन पहले हम सेंसिस करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा पशुधन जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है, फिर हम देखेंगे कि हमारा पशुधन इम्प्रूव्ड हुआ है पहले से या भी पुराना है, उसमें सारी चीज़ें उसमें सेंसिस में आएगी और उसी के आधार के ऊपर आगे का कार्यक्रम जो है वो चलेगा। ठीक है, थैंक यू।